तो गाजियाबाद जिले में जारी अलर्ट को लेकर दिल्ली बॉर्डर से सटे इलाके के यूपी गेट में पुलिसकर्मी सुबह से ही चेकिंग करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के जांगीरपुर में हुई हिंसा के बाद गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की पुलिस को एडीजी की तरफ से अलर्ट रहने को कहा है, जिसके बाद से ही प्रशासन की मुस्तैदी दिख रही है। जनपद गाजियाबाद एनसीआर से जुड़ा हुआ इलाका है, दिल्ली से बाहर रहा हमारा। अब उसके ध्यान रखते हुए हम लोग जो आज दिल्ली में घटना हुआ उसका नज़र रखते हुए ही हमने जनपद स्तर पर तुरंत येलो स्कीम लागू किया, वह एंटी रेड स्कीम का हमने अलर्ट जारी रखा हम लोगों ने। इसके तौर पर तुरंत हमारा पॉइंट्स ऑलरेडी निर्धारित है, उस पॉइंट में बाढ़ में हर गाड़ियाँ चेकिंग करें, जो संदिग्ध व्यक्तियों का चेकिंग लगाया हम लोगों ने। और इसी के अलावा अपना जनपद में जो कहाँ का मिश्रित हुआ है उस इलाके में हमारा पेट्रोलिंग बढ़ा दिया। हमारा सब अधिकारी SSP CEO SHO सब लोग छात्रों में भ्रमण कर रहा है। अब हम लोग एरिया डोमिनेशन भी कर रहे हैं, हमारा फोर्स को इकट्ठा करके एक एक टोनी टाइप बना के हम लोगों ने जो बॉर्डर इलाका है उस इलाका में मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग अभी चल रहा है। हमारे CEO साहिबाबाद और SP City 3 दोनों वहाँ पर साहिबाबाद इलाके में कर रहे हैं। यहाँ पे लोनी क्षेत्र में हमारे SP RA साहब और CEO लोनी सब मिलके यहाँ पे भी हम लोग